तो गाइस आप सबका स्वागत है एक और खतरनाक सी GTA 5 की वीडियो में। एनीवे की मेरी बात सुनो, अबे चुप रह शिनचैन। तो गाइस आप सबका स्वागत है। एनीवे की मेरी बात तो सुनो, अबे क्या होगा शिनचैन। एनीवे की मैं आपको गाली देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हैं? गाली गाली। अबे मुझे क्यों गाली देना चाहते हैं? अरे बेकी में ले लो ना, बहुत अच्छी गाली है। क्या अच्छी गाली? मुझे नहीं चाहिए कोई गाली वाली। अरे बेकी में ले लो ना, अच्छी अच्छी गाली है, इधर मैं आपको गाली देता हूँ। अरे कैसे शिनचैन, तो मुझे उधर बुला के गाली देना चाहते हैं। अरे बेकी में आपके लिए अच्छी अच्छी गाली। गाली? अच्छा गाड़ी। अरे इतनी देर से ये गाड़ी बोल रहा था, मैंने सोचा ये मुझे गाली देना चाहते हैं। अरे बेकी में मैं आपको गाली क्यों दूंगा, मैं तो आपको गाली देना चाहता था। अरे शिनचैन गाली नहीं गाड़ी होते हैं। अरे वो इतने बोला गाली। अरे शिनचैन को कौन समझा, पर ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, इसमें पीछे गिटार पड़ा है और कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। अरे बेकी में कैसी लगी मेरी गाली? हाँ तेरी गाली बहुत अच्छी है, ये गाली तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पर एक सेकंड, मुझे माइकल का फोन आ रहा है। हाँ हेलो माइकल, कैसे है? फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन भाई मेरी मदद कर दे। अरे क्या हो गया? मेरी मदद कर दे फ्रैंकलिन। अरे माइकल तू रो मत, मैं आ रहा हूँ। अरे बेकी में क्या हो गया? अबे शिनचैन माइकल ने मुझे बुलाया, वो रो रहा था। अरे बेकी में चलो नई वाली गाली में चलते। नई गाली? अच्छा नई गाड़ी, हाँ चलते चलते। अरे इतनी शिनचैन मेरा गाली गाली बोलो जा रहा, मुझे समझ भी नहीं आता। तू कहा सर, अभी शिनचैन हमारे साथ बैठ चुका है, फटाफट चलते हमारी नई नई गाली में, सीधा चलते माइकल के पास, उसको हमारी जरूरत है। तू कहा सर, अभी माइकल के शोरूम के पास पहुंचने लगे, उसने मुझे यहाँ पे बुलाया था, उसका ये शोरूम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर अभी उसको कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट चलते उसके पास, देखते उसके पास कौन सी प्रॉब्लम है। माइकल आ गए हम, बोलो क्या हो गया, क्यों रोते? फ्रैंकलिन मेरी मदद कर फ्रैंकलिन। अरे पर हुआ क्या? फ्रैंकलिन क्या बताऊं, तुम देख सकते हो मेरा शोरूम पूरा खाली है। बात तो सही है, इसका पूरा का पूरा शोरूम खाली हो चुका है, यहाँ पे तो कोई गाड़ी नहीं है, ये सारी की सारी गाड़ियां बेच दी, बहुत बढ़िया माइकल। अरे नहीं नहीं नहीं, गाड़ियां बेची नहीं, माफिया के लोग आए थे, मेरी सारी गाड़ियां उठा के ले गए। क्या माफिया के लोग? तो तू क्या चाहता है मैं माफिया से लड़ूं? अबे हट, अबे तेरी शक्ल देखिए, माफिया लोगों से लड़ेगा? अरे तू चाहता क्या, तूने मुझे बुलाया क्यों है? फ्रैंकलिन मुझे बताए, तुम बहुत ही अच्छी चोरी करते हो, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए गाड़ियाँ चुरा के लाओ और मेरा शोरूम भर दो। क्या मैं चोरी करूँ? मैं चोरी वोरी नहीं करता। फ्रैंकलिन अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो तुमको याद है ना, जब हम स्कूल जाते थे तब तुमने अपने पैंट में सूसू कर दी थी, फिर मेरे पास उसकी फोटो भी है। अरे मैं तो मजाक करता, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अभी के अभी जाता और जितनी गाड़ियां देखो चाहिए उतनी की उतनी लाता हूं। एक तो ये माइकल भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अब मुझे चोरी करनी पड़ेगी, माइकल के लिए बहुत सारी गाड़ियां लानी पड़ेगी। तो गाइस फटाफट से चलते माइकल के लाते मस्त मस्त गाड़ियां उसके शोरूम के लिए। अरे बेकी में फोटो मुझे तो दिखा दो। अबे क्या शादी चल रही है, मेरी या सुसु वाली फोटो देख के तू क्या करेगा? शिनचैन फटाफट से अपनी गाली में पेट्रोल भरते। अरे बेकी में गाली नहीं गाड़ी होते, आपको इतना भी नहीं पता, हम स्कूल नहीं जाते क्या? इतनी देर से खुद गाली गाली बोल रहा था, अब मुझे बोल रहा है एक सेकंड, ये क्या गाड़ी है? अबे ये कौन सी गाड़ी है? अंकल ने आपकी गाड़ी क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे सर हमारी बात समझिए, मैं आपको 10 रुपए में पेट्रोल नहीं दे सकता। अरे पर मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही है, मुझे पेट्रोल दे दो। इतनी महंगी गाड़ी और 10 रुपए भी नहीं है पेट्रोल भराने के लिए। तुम्हारे पास ज्यादा पैसे तो तुम दे दो। हाँ मैं दे दूंगा, पर आप मुझे अगर अपनी गाड़ी की टेस्टिंग करने दोगे तो। ओके ओके टेस्टिंग कर लो, बस पैसे दो। ये ना अंकल आपके पेट्रोल के पैसे, अब मैं करूंगा इस गाड़ी को टेस्ट। तो गाइस सर अभी मैं इस गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और ऊपर से पूरा खुला हुआ है, साइड में से खुला हुआ है, पीछे से खुला हुआ है, शिनचैन भी हमारे साथ बैठ चुके हैं। अरे बस मैं उतर जाओ। अरे अंकल बस 2 मिनट। चलो गाइस फटाफट इस गाड़ी को यहाँ से भगा लेते हैं। अरे बेकी मैं क्या कर रही हूँ? अबे शिनचैन इसको मैं चुरा रहा हूँ। तो गाइस वो अंकल तो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे मेरी गाड़ी दे दो। बाय बाय अंकल। चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके, कितनी ज्यादा ये खतरनाक है, पूरी कांच से बनी हुई है, पर यार ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी है, इतनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक गाड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी। अरे बेकी मैं ये गाली तो बहुत ही अच्छी है। अबे शिनचैन तू डिसाइड कर ले, देखो गाली बोलना है या फिर गाड़ी बोलना है, जब देखो जब उल्टा सीधा बोलता रहेगा। तो गाइस हम अपने मिशन पे निकल चुके हैं, पैद मारने की। अबे पैद मारने की नहीं, गाड़ी चुराने की। तो गाइस हमको यार माइकल ने काम तो दे दिया, हमें एक गाड़ी तो मिल चुकी है, पर हमें और भी खतरनाक खतरनाक महंगी महंगी गाड़ियां चुरानी है। तो अभी हम चढ़ने वाले हैं छतों पे और यहाँ से ढूंढने वाले खतरनाक खतरनाक गाड़ियों को। तो अभी हम यहाँ पे चढ़ चुके, चलो देखते हैं क्या हमें यहाँ से कोई सी गाड़ी दिखेगी। गाइस सामने गाड़ियां तो बहुत सारी है, पर मुझे कोई ऐसी खतरनाक सी गाड़ी नहीं लग रही जो कि हम माइकल के शोरूम में रख सके। कहाँ है गाड़ी? मिल जा मिल जा मिल जा, इधर तो नहीं दिख रही मुझे। एक काम करते हैं उस तरफ देख लेते क्या हमें गाड़ी दिखेगी। एक सेकंड, वहां पे मुझे ग्रीन कलर की कुछ ना कुछ तो गाड़ी दिख रही है, क्यों ना उसके पास जाया जाए और देखते हैं कौन सी गाड़ी है वो। अरे बेकी मुझे भी तो ले चलो। अबे आजा अपने।
मेरी नैना को दीदी मुझे बचाया। अभी शिनचैन ने पूरा दिन रोता रहता है। और कैसर ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रीन कलर की गाड़ी में मिल चुकी है और ये तो कितनी ज्यादा तेज चल रही है। अरे मुझे बचाओ, कार ठोक दिया और गाड़ी को कुछ हुआ भी नहीं। तो कैसर अभी हम टेस्ट करने वाले इस गाड़ी की स्पीड, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है और ये पहुंच गए 335 और यहाँ पे रोड ही खत्म हो चुका है। तो कैसर गाड़ियों की खोज में हम निकल चुके हैं। हमें दो गाड़ियां तो मिल चुकी है पर हमें और भी बहुत सारी गाड़ियां चाहिए पूरा शोरूम भरने के लिए। कहां मिलेगी और गाड़ियां नहीं पता, कहीं ना कहीं तो मिल जानी चाहिए। कहां, एक सेकंड, ये क्या चीज है, ये क्या दिख गया मुझे, रुको रुको अंदर जाना पड़ेगा, चलो फटाफट से अंदर चलते। और कैसर ये क्या चीज है, ये कैसी कार है, ये तो बहुत ही ज्यादा अलग सी कार है। इसके टायर थे वो कितने ज्यादा बड़े और कोई फ्यूचरिस्टिक से गाड़ी मुझे ये लग रही है। फटाफट इसके अंदर बैठते हैं। और कैसर आप देख सकते हो इस इंटीरियर के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक यार हैंडल दे रखा है इसको चलाने के लिए। चलो कैसर इस गाड़ी को चला के देखते हैं क्या है इसमें अलग है। अबे कितना ज्यादा मजा आ रहा है चलाने में, ऑफ रोडिंग करने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस गाड़ी से, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये कौन सा बटन है, अरे ये क्या, ये गाड़ी तो उड़ने लग गई, उड़ने वाली गाड़ी। तो कैसर अभी हम जाने वाले यहाँ से उछलते हुए इधर आ चुके हैं, अभी सामने वाली छत पे भी हम कूदेंगे 1 2 3 और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। हमको जाना है सामने वाले घर में, एक बड़ा सा जंप करना पड़ेगा, पहले चढ़ना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ से जंप करेंगे सीधा सामने वाले घर में 1 2 3। और कैसर यहाँ पे हमने जंप कर लिया और हमें अपनी खतरनाक सी गाड़ी मिल चुकी है। ये गाड़ी कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। इसके अंदर हम बैठेंगे और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या खास है। तो कैसर अभी आप देख सकते हो इसमें कोई भी स्टीयरिंग व्हील नहीं है। Welcome to Rolls Royce. Where do you want to go? मुझे जाना है अपने घर पे। तो गाइस इसमें देख सकते हो कोई भी स्टीयरिंग व्हील नहीं है, ये ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी मैं इस गाड़ी के ऊपर हाथ भी नहीं रख रहा, आप देखो मैं पीछे आराम से बैठा हूँ और ये गाड़ी अपने आप चल रही है और ये सीधा मुझे लेके जाएगी अपने घर पे, वो भी ऑटोमेटिकली। और ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पीड में भी चल रही है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो क्या कर रहे हो, फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने वाला हूं, सिर्फ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और गाइस अभी हम आ चुके अगली गाड़ी चुराने और वो गाड़ी हमें चुरानी एक आंटी के घर से, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आंटी है। चलो फटाफट से चलते हैं और चुराते हैं उस गाड़ी को। अभी हम इनके पीछे वाले रास्ते से घर में घुस चुके, इनको पता नहीं था हम कितने चालाक है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ चुके। और गाइस आप देख सकते हो, एक सेकंड, ये क्या चल रहा है, मुझे तो बताया गया था कि आंटी बहुत खतरनाक है पर यहां पे तो डांस चल रहा है। पर आप देख सकते हो गाड़ी कितनी ज्यादा खतरनाक है, सामने बहुत सारी आंटियां डांस कर रही हैं और ये कैसा अजीब सा डांस है, ऐसा डांस तो मैंने पहली बार देखा है। पर कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ गाड़ी से मतलब है, फटाफट से गाड़ी में चुपचाप बैठते हैं। ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा अलग और खतरनाक है, अब इसको फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। हट जाओ आंटी सामने से, ये गाड़ी जाने वाली है एक प्लेन की तरह, हट जाओ। और कैसे फटाफट इस गाड़ी को यहाँ से निकलते हैं, अरे आंटी चिपक गई, हट जाओ आंटी। चलो कैसे इस गाड़ी को भी हमने चुरा लिया और कैसे ये वाली गाड़ी भी उड़ती है और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और कितनी ज्यादा ऊपर जाती जा रही है। ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब तक आपको सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगी, फटाफट से बता दो, उड़ने वाली गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी या फिर और भी कोई गाड़ी अच्छी लगी तो फटाफट से बता देना। और ये वाली गाड़ी को फटाफट से लेके चलते माइकल, उसको सारी सारी गाड़ियां दे देते दे। तो कहे सर हमने माइकल के शोरूम में सारी की सारी गाड़ियां खड़ी कर दी है। फ्रैंकलिन बहुत बहुत शुक्रिया फ्रैंकलिन, अब मैं तुम्हारी सुसु वाली फोटो लीक नहीं करूंगा। अरे हाँ, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, बार बार एक ही चीज बोलता रहेगा। तो कहे सर आप देखो माइकल का शोरूम बन चुका है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, सारी की सारी गाड़ियां यहां पे आ चुकी हैं और ये रोल्स रॉयस भी आ चुके हैं जो कि यार बहुत ही खतरनाक है। फ्रैंकलिन तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट, ये स्पेशल गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। क्या ये मेरे लिए, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। अरे बेकी भाई गाड़ी तो बहुत ही खतरनाक है। अरे शिनचैन ये गाड़ी तो सही में बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक मॉन्स्टर ट्रक जैसी है पर फ्यूचरिस्टिक मॉन्स्टर ट्रक, कितनी ज्यादा खतरनाक है। क्या ये ऑटोमेटिक चल रही है, मुझे लॉस सैंटोस घूमना है। और कैसर ये तो चलने लग गई, अरे ये तो ऑटोमेटिक चलती है। अरे फेकी में तो बहुत ही खतरनाक है। अरे तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो कैसर हमें मिल चुके बहुत ही खतरनाक सी फ्यूचरिस्टिक मॉन्स्टर ट्रक जो कि अपने आप चलती है। तो कैसर आज की वीडियो से भी इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं सही वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और कैसर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जाना फॉलो कर लेना, वहां पर बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और कैसर मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।